वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखिए अर्थपूर्ण मुहावरों के साथ के 97वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो मुहावरों की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, मेक ए लिविंग। नंबर टू, मेक ए हैश ऑफ। साथियों, पहले मुहावरे की चर्चा कर लेते हैं। मेक ए लिविंग स्पेल आउट कर देता हूँ, MAKE, मेक ए LIVING, लिविंग। मेक ए लिविंग का अर्थ होता है जीविका चलाना, इतना कमा लेना कि व्यक्ति अपनी जीविका चला सके। साथियों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक ए लिविंग। वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके लिए जीविका चलाना बहुत अधिक कठिन हो गया है। नंबर टू, ही इज अर्निंग एनफ टू मेक ए लिविंग। वो इतना कमा लेते हैं कि जीविका चला लें। नंबर थ्री, गवर्नमेंट शुड एम्पावर पुअर पीपल सो दैट दे कैन मेक ए लिविंग। सरकार को गरीब व्यक्तियों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो अपनी जीविका चला सके। साथियों, अब दूसरे मुहावरे की चर्चा कर लेते हैं। मेक ए हैश ऑफ या फिर मेक ए मैस ऑफ, स्पेल आउट कर देता हूं, MAKE, मेक ए HASH, हैश OF ऑफ, या फिर MAKE, मेक ए MES, मैस OF ऑफ। मेक ए मैस ऑफ या फिर मेक ए हैश ऑफ का अर्थ होता है सब कुछ गड़बड़ कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, दिस चाइल्ड इज वेरी नोटी एंड ही हैज मेड ए हैश ऑफ बर्थडे पार्टी। यह बच्चा बहुत नटखट है और इसने जन्मदिन की पार्टी में सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। नंबर टू, डोंट ट्रस्ट हिम, ही विल मेक ए मैस ऑफ एवरीथिंग। उन पर विश्वास मत करो, वो सब कुछ खराब कर देंगे। नंबर थ्री, अनफॉर्चुनेटली ही इज मेकिंग ए हैश ऑफ हिज स्टूडेंट लाइफ। दुर्भाग्यवश वो अपने छात्र जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, मैंने दो मुहावरे तीन तीन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं। अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, अंग्रेजी सीखे अवश्य सीखे, सीखनी ही चाहिए, लेकिन यदि अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य आनी ही चाहिए। मित्रों, स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अमर पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।